हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। दोस्तों, ये एक टेक्निकल वीडियो होगा जिसमें हम इस लैपटॉप में आपको रैम अपग्रेड करके दिखाएंगे। रैम किस प्रकार से अपग्रेड होता है और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखना है ताकि आपका लैपटॉप खराब ना हो। ये रहा आपके सामने लैपटॉप, ये आसूस का लैपटॉप है। इसमें हम आपको रैम अपग्रेड करके दिखाएंगे। ये हमारा रैम है, क्रूशियल का है, 8 GB रैम हम अपग्रेड कर रहे हैं इस लैपटॉप में। तो सबसे पहले लैपटॉप को एक अच्छे सरफेस पर रख लेंगे जहाँ से आपका स्क्रैचेस ना लगे, और एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे जिसके माध्यम से जो भी आपका सपोर्टिव स्क्रू होगा उसके माध्यम से स्क्रू ड्राइवर लेंगे, और फिर आप इस बैक पैनल को आप ओपन करेंगे। सो चलिए मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। यदि बैक पैनल ओपन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से जो कार्ड आता है, मेरे पास वोटर आई डी कार्ड है तो इसके माध्यम से आप ओपन कर सकते हैं। ATM कार्ड वगैरह से हो जाएगा। इधर से आपको फंसाना है और ये आराम से आपको स्क्रॉल करते हुए आगे ले जाना है। ये ओपन हो गया, सेम ऐसे ही इधर से करना है। और कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखता है इस लैपटॉप का, ये जो मदरबोर्ड है इसका इंटरफेस। लैपटॉप के इस मदरबोर्ड में सबसे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। यहाँ आपका जो अपग्रेड होता है वो HDD या फिर SSD अपग्रेड कर सकते हैं, और रैम का स्लोट ये रहा, यहाँ आप रैम लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक रैम है, ये जो कल ही डिलीवर हुआ है, तो इसको हम अभी अपग्रेड करेंगे। जितने भी आप काम करेंगे सब सावधानी पूर्वक करना है आपको। इस पैनल को हटाने के बाद आप यहां से बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। यहां जो बैटरी को आपको निकालने का तरीका है इस आसूस में, इसको क्या करना होगा, ये जो स्टील प्लेट है इसको थोड़ा सा आपको पीछे खींचना होगा। ये पीछे आ गया, देन आपको सारे वायर को लेना है जो बैटरी से कनेक्ट है, और इसे आपको ऊपर की ओर निकालना है। ये ऊपर आराम से निकलेगा, ये निकल गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी। अब आप लैपटॉप में काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस रैम को इसमें लगाते हैं। ये जो क्रूशियल का रैम है, ये रहा रैम, इस प्रकार से कुछ दिखता है रैम। इस रैम को यहाँ लगाने के लिए आपको ये जो कट दिया गया रैम को, इसे लोकेट करना है यहाँ जो कट लगा हुआ है, और इसे आप 45 डिग्री के एंगल में आप यहाँ इसमें इन करेंगे। ये आपका इन हो गया थोड़ा सा अंदर में, ये देखिए 45 डिग्री के एंगल में हो गया। और आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, इसे नीचे इस प्रकार से प्रेस करना है। ये लॉक हो गया और आपका रैम लग गया। आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। यदि आपको ओपन करना है तो देन इसको थोड़ा सा जस्ट ये करेंगे, थोड़ा सा साइड दोनों को, ये ऊपर आ जाएगा, और देन आप इसे इसे निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप रैम लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो मैं इस रैम को यहाँ लगा देता हूँ, फिर आपको विंडो स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि रैम अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। सो इसे लगाने के बाद आपको जस्ट पुल डाउन करना है, ये रैम आपका अपग्रेड हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ आसूस में आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां देखते हैं कि हमारा रैम अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। रैम लग जाने के बाद आपको बैटरी को फिर से कनेक्ट करना है। बैटरी को कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ से ऊपर से लगाना है और इसे आपको नीचे प्रेस करना है। रैम यहाँ आपका लग चुका है और आप बैटरी को भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस पैनल को आपको क्लोज करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये पैनल लगाना है। कोई भी पैनल नहीं छोड़ेंगे। यदि आपके कंप्यूटर में डस्ट हो गया है तो आप इस प्रकार से ब्रश लेंगे और साफ सफाई कर लेंगे, जैसे फैन का और थोड़ा सा सर्किट वगैरह का। एक्स्ट्रा छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपके लैपटॉप खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपको मेटल का चीज बैटरी लगाने के बाद इधर कहीं भी टच नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना बूंदी 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 है, कुछ भी टच होगा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपको आराम से इसे आप जैसे निकाले थे वैसे ही लगाएंगे। इस प्रकार से ये कुछ यहाँ रहता है, आप देख लेंगे स्क्रू का लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप इसे रख लेंगे, और फिर आप स्क्रू ड्राइवर से इसे आप टाइट कर देंगे। अभी स्क्रू लगाने से पहले आपको रैम एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद आपको स्क्रू लगाना है। दोस्तों, हमारा रैम जो है वो अपग्रेड हो चुका है। अब देखते हैं हम जाकर के माई पीसी में जो प्रॉपर्टी होता है उसमें दिखा रहा है या नहीं। इसमें जाएंगे और हम प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं डिवाइस स्पेसिफिकेशंस में जो हमारा रैम है वो 12 GB हो चुका है, यानी कि 4 इसमें पहले से थे और हमने 8 लगाया है, तो टोटल 12 GB हो गया, जिसमें से 11.9 अभी यूजेबल है, यानी कि यूज कर सकते हैं। रैम को चूज करते समय काफी कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर ये जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब ये समस्या ज्यादा आता है कि हमारे लैपटॉप में वो एक्सेसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिस भी कंपनी का आप रैम खरीद रहे हैं वहाँ एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा रैम रिकमेंडेशन में जा रहा है, और उस रैम को आप परचेज कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से हम क्रूशियल का चुने थे और हम वहां जाकर के उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के चूज किए, तो ये रैम का रिकमेंडेशन आया था मुझे और हम खरीदे, तो
ये हमारा सक्सेसफुली सपोर्टेड है हमारे लैपटॉप में। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो हमारा रैम है वो अपग्रेड हो चुका है, 12GB हो चुका है। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लैपटॉप का रैम अपग्रेड कर सकते हैं। साथ में आप HDD या फिर SSD भी यदि आपके स्लॉट में होगा, जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया गया इसमें था, तो आगे आने वाले वीडियो में हम वो भी दिखाएंगे जब अपग्रेड करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ या फिर कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए अपडेट प्लस के साथ। नमस्कार।